हाय गाइज, मेरा नाम जालंधर भारद्वाज और आप सभी को मेरे इस यूट्यूब टेक स्टार चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले चलते हैं फोटोशॉप में इमेज के ऊपर येलो कलर ग्रेडिएंट को क्रिएट करना सीखेंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मैं फोटोशॉप में येलो कलर ग्रेडिएंट को क्रिएट किया हूँ और आप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, सिंपली यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आर बटन प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पर रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको इसमें टाइप करना है फोटोशॉप और ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद सिंपली हमको यहाँ पर एक इमेज को ओपन करना है। सो फ्रेंड, मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद सिंपली मैं डेस्कटॉप के ऊपर पहले से सेव करके रखा हूँ फोटोशॉप में, इसको ड्रैग करके ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इमेज को ओपन कर लिया और कंट्रोल प्लस बटन से इस इमेज को यहाँ पर बड़ा कर लिया। सिंपली आपको यहाँ पर एक सिंपली न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेना है। तो सो फ्रेंड, मैं यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ले लेता हूँ। लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर फोरग्राउंड कलर में आपको यहाँ पर कलर को सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं येलो कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करूँगा तो हमारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली नॉर्मल का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसके बाद सिंपली आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और पेंट बकेट टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर तो आपका कलर फिल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कलर फिल हो गया। इसके बाद आप अब यहाँ से मास्क लगाएंगे, यहाँ से ऐड मास्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मास्क लग जाएगा। सिंपली आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल आई बटन प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर कलर इन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कलर इन्वर्ट हो गया। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर ब्रश टूल को सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैं यहाँ से ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्लोथ के ऊपर ब्रश को हल्के हल्के चलाऊँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ब्रश का इस्तेमाल जितना अच्छा से करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जैसा कि मैं यहाँ पर ब्रश को पूरे क्लोथ के ऊपर यहाँ पर चलाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितना अच्छा से ब्रश का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका फ़ोटो क्लियरिटी आएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे क्लोथ का कलर यहाँ पर कुछ कलर चेंज हो गया और आप हल्के हल्के हाथों से बगल का कलर भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर क्लोथ का कलर चेंज हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा तरह से चेंज हो गया। इसके बाद सिंपली आप यहां से इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। आप देख सकते हैं, इसके बाद आप यहां से क्रिएट न्यू फिल लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप यहां पर लेबल पर क्लिक कर देंगे। सिंपली आप लेबल को यहां से बढ़ा लेंगे। जैसा कि मैं थोड़ा सा यहाँ से लेबल को बढ़ा लेता हूँ, 220 के आसपास यहाँ पर रख लेता हूँ और ओके पर क्लिक करूँगा। सो फ्रेंड, इसके बाद फिर से क्रिएट न्यू फिल लेयर पर वाले आइकन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सिंपली सॉलिड कलर पे मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से वाइट सेलेक्ट करूँगा और ओके पर क्लिक कर दूँगा। सिंपली मैं यहाँ से ओके पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सिंपली मैं यहाँ नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कर दूँगा। सो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि लेयर का स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। सिंपली आप अंडरलाइनिंग को आप पूरा पूरा बढ़ा लेंगे अल्ट के साथ होल्ड करके। सो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ से रेड को सेलेक्ट करेंगे और अल्ट को होल्ड करके पूरा पूरा अंडरलाइन को बढ़ा लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, इसके बाद आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल आई बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कलर इन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप फोरग्राउंड कलर में वाइट को सेलेक्ट रखेंगे और आप यहां से ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे। सिंपली मैं यहां से ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद पूरे यहाँ पर फेस के ऊपर अप्लाई करूँगा। जैसा कि मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं पूरे फेस पे अप्लाई करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्किन का कलर मैं चेंज करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फेस एकदम स्मूथ हो रहा है। आप अच्छा तरह से इसको कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ से फिर से क्रिएट न्यू फिल लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से कर्व का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप थोड़ा सा कर्व को बढ़ा लेंगे या तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल एम बटन भी प्रेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे इमेज काफ़ी हद तक बन के तैयार हो गया। इसके बाद फिर से आप यहां से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं यहां से लिप के कलर को चेंज करूंगा तो सिंपली मैं यहां से कलर फोरग्राउंड कलर को सेलेक्ट कर लेता हूं, रेड सेलेक्ट कर लूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा। ओके पर क्लिक करने के बाद मैं इमेज को यहाँ से कंट्रोल प्लस के माध्यम से यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ। सिंपली जूम करने के बाद आप यहाँ से ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे और आप फिलो को यहाँ पर 10 रख लेंगे। 10 के आसपास मैं यहाँ से रख लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 10 के आसपास कलर को सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं
इसके बाद मैं कंट्रोल प्लस बटन से को प्रेस करके इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से इमेज को बड़ा करने के बाद ब्रश की साइज़ छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं सिंपली नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँगा। इसके बाद मैं ब्रश का यूज़ करूँगा, सिंपली मैं लिप के ऊपर ब्रश का यूज कर रहा हूँ। आप सिंपली हल्के हल्के ब्रश का यूज करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा लिप का कलर रेड हो गया। आप यहाँ से कोई सा कलर सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं यहाँ पर कर लिया, आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।